नॉर्मल प्लेटफॉर्म ले सकता है, कौन दे सकता है स्मार्ट बोर्ड प्लेटफॉर्म। टारगेट सेट क्या आज की डेट पर देखिए, थोड़ी देर उत्तर क्या जोड़ रखा, मैं एक एक करके ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है इस मार्केट में जिन्होंने अपना टारगेट को ड्रीम को डिजायर को सेट किया बोलकर आज जीता है। सो दोस्तों हाई डिजायर ये बहुत जरूरी है, आपके लाइफ में अगर ड्रीम नहीं है टारगेट नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे, बेकार भागदौड़ हो रहा है। ये कैजुअल अप्रोच से अगर सीरियस अप्रोच में जिंदगी को लेकर जाना चाहिए मतलब चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। विदाउट टारगेट आपकी लाइफ सफल बन नहीं सकता। आप कुछ भी फील्ड पे जाओ यू मस्ट हैव सम टारगेट। समझ मारा नहीं आ रहा, ये पहला चीज होता है कि यू मस्ट हैव सम गोल, ये पहला चीज नंबर वन। एंड नंबर टू, ये टारगेट कई सारे लोगों का होता है लेकिन दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो चीज की चाहिए वो है नॉलेज। लोग इसमें टाइम देते नहीं, इस टारगेट को पाने के लिए चाहिए नॉलेज। मैं इस बिजनेस के लिए टारगेट तो सेट कर लिया है कि मुझे लाखों रुपए इनकम करने के लिए मुझे 500 मुझे कितना सेल चाहिए, मुझे हफ्ते में मुझे 100 सेल चाहिए, 200 सेल चाहिए, 300 सेल चाहिए। आज मैं आपको बताऊं कि आपको हफ्ते में 10 डील उठाना है, आपका टारगेट होना 10 डील उठाना है। 10 डील अगर आप उठाएंगे हफ्ते में तो एक स्टेप आप वीकली कमा पाओगे, वन स्टेप वीकली यानी पूरे साल भर में 52 स्टेप आप कमाओगे, मतलब आप आसपास आप प्लेटिनम बन जाओगे। प्लेटिनम बोले तो कितना रुपए की इनकम कुल मिलाकर आप देखोगे तो 2-2.5 लाख का इनकम टोटल प्लेटिनम पिन में हो जाता है साल में। आपने अगर दो दो करके स्टेप लगाया, दो दो बोले तो 20-20 करके आपने सेल लगाया, 2022 का अगर सेल लगाया आपने तो ऑलमोस्ट आपका पार्ट पिन हो जाता है। पार्ट पिन बोले तो कम से कम अगर देखा जाए तो 4.5 लाख का इनकम हो जाता है, 4.5 से 5 लाख रुपए यानी महीने में 45,000 to 50,000 रोज का रोजगार अगर पार्ट पिन बन जाते यानी 20 सेल करके आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका अगर टारगेट है, अगर 20 का आपको टारगेट है तो 20 टारगेट को पूरा करने के लिए नॉलेज तो चाहिए। यस और नो, टारगेट तो सेट कर दिया बट विदाउट नॉलेज मैं टारगेट को पूरा कैसे करूंगा, कर पाऊंगा क्या? इसी जगह पे हम लोग मैक्सिमम जगह में फ्रस्ट्रेशन कब आता है, जब हम टारगेट सेट करके पूरा नहीं होता वहां पे फ्रस्ट्रेशन जेनरेट होता है, फ्रस्ट्रेशन जेनरेट होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैंने दादा बाइक का टारगेट तो सेट किया था लेकिन बाइक मेरा अचीव नहीं, मैंने घर में टीवी खरीदने के लिए बोल दिया टीवी हो नहीं पा रहा। इस घर में कई सारे लोगों ने मुझे बताया तो मैकेनिकल टारगेट तो सेट किया, मैकेनिकल ड्रीम तो सेट किया कि सीनियर ने बोला चलो ड्रीम सेट कर लेते, लैपटॉप मुझे इस डेट में खरीदना है, मैकेनिकली सेट कर लिया बट उसको पूरा नहीं कर पाया है, नहीं है, है या नहीं है? और टारगेट जब पूरा नहीं होता है तो एनर्जी फैक्टर लूज हो जाता है हमारा। आपको क्या लगता है कि मैंने टारगेट सेट किया और पूरा करेगा टीम? कौन पूरा करेगा टारगेट? मैंने सेट किया पूरा करेगा सीनियर? बोलिए, सपना मेरा है तो मेरा सपना पूरा कर करेगा पड़ोसी? यही हम लोगों का चाहता है एक्चुअली, हमारा सपना पड़ोसी पूरा करेगा, मम्मी पापा पूरा करेगा, सीनियर पूरा करेगा, सब लोग पूरा करेगा लेकिन मैं नहीं, मेरा काम था टारगेट करना, टारगेट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा करेगा और इसके लिए चाहिए आपके पास नॉलेज की जरूरत है, विदाउट नॉलेज नहीं होगा, इम्पॉसिबल। और इसी जगह पे लोग गड़बड़ हो जाते हैं, हम लोग क्या करते रहता है लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको वैल्यू नहीं देते, जो बाद में जाकर रिजल्ट देगा उसको वैल्यू नहीं देते। हम लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, एलोपैथी में बिलीव करते हैं बट एलोपैथी करके आपको तुरंत तो रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब घुटने में दर्द हो रहा है अभी दर्द को घटाना है क्या करना, पेन किलर डाल, बट उस पेन किलर से मेरा किडनी प्रॉब्लम इफेक्ट हो सकता है उसको हमने चेक नहीं किया। मैं रेगुलर पेन किलर लिया और मेरा क्या बन गया, किडनी में स्टोन, मतलब छोटा प्रॉब्लम को ठीक करने के चक्कर में फ्यूचर में क्या हो गया, बड़ा सा प्रॉब्लम। तो ये क्या सोल्यूशन, इसे सोल्यूशन मुझे बताइए, ये एलोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है? कैंसर हुआ है मुझे क्या चाहिए, केमोथेरेपी, तुरंत मुझे पेन किलर दे दिया, केमोथेरेपी दे दिया, तुरंत सॉल्यूशन हो गया लेकिन क्या हो गया साइड इफेक्ट, पूरे मेरे पूरे सारे ऑर्गन फेलियर हो रहा है, डायबिटीज हो गया, मैं क्या ले रहा हूं, तुरंत रिजल्ट चाहिए मुझे, क्या करो इंसुलिन पुश कर रहा हूं, रेगुलर इंसुलिन पुश कर रहा हूं, मैम आई एम टेकिंग द मेडिसिन एज ए फूड, लोग जैसे खाना जैसे खाते हैं उस तरीके से मैं मेडिसिन खा रहा हूं,
ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा हो? उस दिन मैंने घर एक शादी में गया था, मैं ताज्जुब कर गया कि जमाना किस तरह से चेंज हो रहा है। उधर में हम लोग जनरली शादी में जब जाते हैं, लोग जब खाना खिलाते हैं तो मेनू कार्ड देता है ना, कि आज के डेट में खाने में क्या क्या मिलेगा, देता नहीं देता है? और हम लोग देखते मेनू कार्ड में हमारा पसंदीदा क्या क्या है, देखते नहीं देखते? वहां पे देखा हर मेनू कार्ड के अंदर छोटा सा पॉकेट है और हर पॉकेट में एक जेलोसिन का कैप्सूल, एक गैस्ट्रिक का कैप्सूल। मैं ताज्जुब कर गया, ऑर्गेनाइजर से पूछा कि भाई ये आप गैस्ट्रिक का कैप्सूल, गैस का एसिडिटी का कैप्सूल आप क्यों दे रहे हो? बोले दी आज के डेट में सबका तो पेट सही नहीं चलता है और जो खाना है इसमें एसिडिटी 100% होगा, इसलिए पहले से पोटेंशियल लोग पहले खाली पेट में वो दवाई ले रहा है फिर खाना खा रहा है। भाई क्या बन चुका है, क्या हेल्थी बन चुका है टेक्नोलॉजी हमारे बॉडी वो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी, लेकिन हम लोगों को टेम्पोरेरी सॉल्यूशन मिली। तो क्या आपको टेम्पोरेरी सॉल्यूशन चाहिए? क्या परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन एक बिल्डिंग बनता है, एक पेड़ को उगने के लिए, एक पेड़ को बड़ा करने के लिए उसको उतना ही मजबूत नीचे से बनना पड़ता है। एक पेड़ को कितना ऊंचाई तक आप लेके जाओगे, एक पेड़ उतना ही मजबूत होगा जितने से नीचे से मजबूत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. मेरा पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा। आपका जड़ मजबूत नहीं है तब उतना ऊंचाई आप पहुंच नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। जड़ को मजबूत बनना जरूरी है। ये बिजनेस मेरा हो चुका पाया था क्योंकि मैंने अपना जड़ को बहुत मजबूत किया। मैं आपको सिंपली बताता हूं, मैं बहुत टैलेंटेड लड़का नहीं हूं। एज ए स्पीकर मैंने बहुत सजल स्टेज में आना, स्टेज पे कुछ बोलना, स्टेज में आकर लोगों को मोटिवेट करना, स्पीच देना, ये मेरे को उतना अच्छा नहीं। मेरे जो सीनियर लोग थे वो लोग बहुत माइंड इस मामले से बहुत प्रैक्टिकल भी, बहुत जबरदस्त भी था और जल्दी पकड़ लेते, लेकिन मेरा हाथ पैर कांपता था सीनियर कोई भी स्टेज में आके कुछ बोलने। मेरा लाइफ में पहला ट्रेनिंग क्या था, मेरा लाइफ में पहला ट्रेनिंग था, मैं छुट्टी ले ली गई, मेरा पिताजी का नाम उसे आराम ले गई, थैंक यू सो मच। ये था मेरा एक मिनट का ट्रेनिंग, पहला ट्रेनिंग। आज के डेट में जब मैं ये तो चंदन को जब देखा स्टेज में कितना जबरदस्त दे रहा था, कितना जबरदस्त बोल रहा था, मैं चंदन को बोल रहा था क्या स्मार्ट है, इनके जैसे उम्र में हम लोग इतना बढ़िया बोल नहीं पाते, कितना सुंदर तरीके से स्टेज को हैंडल कर रहा। आज भी स्टेज में आते तो आज के डेट में भी हम लोगों को गड़बड़ हो जाता है। आज के डेट हम लोग स्टेज का जो फेयर है, स्टेज का जो परफॉर्मेंस है, आज के डेट में मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कई कई बार हो जाता है। लेकिन इस चीज को ओवरकम कैसे, शुरुआत में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा था, ओवरकम कैसे? लोगों से बातचीत करना, चिरंजीत बोल रहा था कि कैसे लोगों के साथ बातचीत करना, प्रॉब्लम इट्स ए प्रॉब्लम, मेजोरिटी लोगों का एक प्रॉब्लम होता है। प्रेजेंटेशन करना इट्स ए स्किल, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। लोग सवाल कर रहा है, एक इंसान सवाल कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, नोने की कीमत ज्यादा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप तो 17,000 का मिशन लेकर आया, 17,000 ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, महंगा है ये प्रोडक्ट, ये कोर्स आजू बाजू में कई सारी जगह में मुझे बहुत कम पैसे में मिल सकता है। सवाल करता नहीं करता? यस यस स्मार्ट मैन, मैं तो देख चुका हूं, मैं तो जानता हूं। मेरा एक भाई था वो स्मार्ट होल्ड करके ऑलरेडी फेल हो चुका है, मुझे करना नहीं है, ये सवाल मिलता नहीं मिलता? अच्छा तुमने एफपीएल बोला, मुझे तो पता है एफपीएल के बारे में। ये सारे सवाल आपको फेस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? आपको फेस करना पड़ता है। किसको किसको फेस करना पड़ता है, तो हाथ लाइए, ये सारे सवाल आपको फेस करना पड़ता है। इनवाइट करने के बाद आता नहीं है ये सर लो, होता नहीं होता है? तुम जो बोल रहे हो, आपने बोला कि इनकम होता है, इनकम तो मिलता नहीं है स्मार्ट होल्ड, ऐसे कई सारे सवाल हमें फेस करना पड़ता है। नहीं अभी मुझे एडमिशन लेना नहीं है, मेरा अभी एग्जाम है, पिताजी मना कर रहा है, परसों एडमिशन लेंगे, परसों नहीं तुम बाद में कॉल करना, बाद में कॉल करना तो नंबर ही चेंज कर दिया, सिम कार्ड ही चेंज कर दिया। घर में गया फीडबैक करने के लिए, मम्मी बोल रहा है घर में नहीं है, अंदर साइकिल है स्कूटी है सब है लेकिन घर में नहीं है। ना जाने कितने टाइप के ऐसे सवाल हम लोगों को फेस करना पड़ता है। नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, भाई क्यों नहीं है बता तो सही, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो किसमें इंटरेस्टेड है? सुबह से शाम वो फेसबुक कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, जो उसके करियर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। तो ऐसे सवाल हम लोग को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये सवाल का जवाब आप दोगे कैसे बताओ? ये सवाल का जवाब दोगे तो आपके पास क्या आएगा? सेल आएगा।
आपके टारगेट पूरा होगा। लेकिन ये सवाल का आंसर हम देंगे कैसे? ये सवाल के आंसर देने के लिए हमारा जड़ को मजबूत करना पड़ता है। हम सोचते हैं ऊपर ही ऊपर अच्छी अच्छी बातें बोलकर लोगों को अच्छे अच्छे बातें बोलकर समाधान दे देंगे, होगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। क्या चाहिए? एक साथ बोलिए, क्या चीज चाहिए? जब तक ना आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचानोगे, ट्रेडिशनल मार्केट को पहचानोगे, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। कि ट्रेडिशनल मार्केट, जब मार्केट में मैं एक ट्रेडिशनल जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, एक जॉब का रेशियो क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, और जब मैं इनकम करता हूँ तो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम के जरिए से। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम क्या है और रेट इनटू टाइम क्या है? रेट इनटू टाइम इट्स अ डिफेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट्स अ डिसेप्टिव कॉन्सेप्ट एंड डेंजरस कॉन्सेप्ट। ये डिफेक्टिव क्या है, मैं अगर आपको पूछूं क्यों इसको डिसेप्टिव बोला जाता है, पता है? रेट इनटू टाइम को क्यों डिसेप्टिव बोला जाता है? थ्री डी का मतलब बताओ। थ्री डी डेंजर का मतलब क्या है? जैसे जॉब में काम करने से मतलब ये डिसेप्टिव नहीं है, ये डिसेप्टिव यही तो इसी जगह पे प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, बेसिक जगह में मेरा गड़बड़। मैं अगर आपको पूछूं कि मैं एपीएल में क्यों जाऊंगा, वाई 17,000 मार्केट में 10,000 का कोर्स दूसरे लोग दे रहे हैं, जेट किंग वाले मुझे 12,000 में कोर्स को दे रहे हैं, आप जो नोनी बेच रहे हो आप मुझे 1600 रुपए ले रहे हो, मार्केट में ऑनलाइन में मुझे 1200 रुपए में नोनी मिल रहा है, क्यों आपसे मैं 1600 रुपए मिलूंगा? सवाल आता नहीं आता है? Yes. You should have knowledge for this, कि मेरे को क्या बोलना है उसे। अगर ये नॉलेज नहीं है तो मैं खाली हाथ वापस आऊंगा ना, यस और नो? यस। हाँ या ना? Yes. आपको देखना जरूरी है मार्केट में कि जैसे 1600 रुपए की भी नोनी है वैसे 4000 का भी नोनी बिक रहा है। आप 17,000 की बात करते हो, मैं आपको बता सकता हूँ 2,00,000 रुपए में भी लोग आज एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन राइट कस्टमर के पास आपका जाना जरूरी है। राइट कस्टमर के पास जाएंगे वो लोग सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा आपके पास नॉलेज होगा तो 2,00,000 नहीं 5,00,000 भी दे सकता है। 5,00,000 का सामान नहीं बिक रहा है? बिक रहा है, बिक रहा है। आप बताइए आपका मोबाइल, आपका भाई का मोबाइल था 10,000 रुपए का, आईफोन एक्स उसकी कीमत पता है? आईफोन एक्स अगर 256 GB का लेंगे तो 1,15,000 का। आप बताइए 1,00,000, आपको क्या लगता है, माइंडसेट क्या है, 1,15,000 का कोई मोबाइल खरीदते है क्या? सही बोलो नहीं बोलो? Yes. मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए मैडम 1,15,000 का आपको क्या लगता है? आपके पास अगर 1,15,000 होगा आपका मोबाइल खरीदेंगे? 1,15,000 से नहीं खरीदे। बैठ जाइए, ये माइंडसेट क्या लगेगा, कोई अगर 1,15,000 का खरीदता है तो आपका माइंडसेट क्या है, आप लोगों का क्या सोचेंगे? अरे फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये, नहीं तो ना। Yes. अगर ये माइंडसेट सबका होता तो आईफोन एक्स 1,15,000 वाला मोबाइल बिकता ही नहीं मार्केट में। मार्केट में ये भी कस्टमर 1,15,000 का भी कस्टमर है, मार्केट में 2,00,000 भी मोबाइल खरीदने का कस्टमर है मार्केट में 70,000-80,000 का मोबाइल की गड्डी में हमारे सामने कस्टमर बैठा है। सुनी तलुकदार नोट 8 खरीदा, कितने रुपए का मोबाइल खरीदा, मोबाइल की कीमत कितना बताइए? 68,000 का मोबाइल खरीदा। मैं जब था कॉलेज में पढ़ता था, पिताजी को बोला था, पिताजी मुझे कंप्यूटर दे दीजिए पेंटियम 3 25,000 वाला। पिताजी बोला रिटायरमेंट के बाद तेरे को मैं पेंटियम 10 दूंगा। 25,000 कंप्यूटर वो भी मेरे को नहीं दिया। और आज देखिए कस्टमर बैठा है मोबाइल खरीद रहा है, कंप्यूटर इतना बड़ा, कितना बड़ा डिस्प्ले 14 इंच 16 इंच डायरेक्ट 21 इंच वाला डिस्प्ले, कितना बड़ा चीज हो जाता है ये सब लोग। 68,000 में लोग अगर सोचता तो 68,000 में क्या होता सकता था? 25,000 का डिजिटल कैमरा हो सकता था, 10,000 का छोटा वाला मोबाइल हेलो करने के लिए खरीद लो, है कि नहीं? 25,000 वाला डिजिटल कैमरा खरीद लो, 20,000 का एक टीवी खरीद लो और 12,000-13,000 का फीस खरीद लो। 68,000 में इतना कुछ हो सकता है। मिडिल क्लास लोग होता तो इस तरीके से प्लान करते कि 68,000 में एक छोटा सा मोबाइल, एक फ्रिज, एक टीवी, एक डिजिटल कैमरा, चार चीज यहां पर हो सकता था, उसमें से मैं एक क्यों खरीद लू? एक खरीदने के लिए भी कस्टमर है, देखिए कस्टमर है, लेकिन हम उसको वो वैल्यू समझा नहीं पाते। हम सोच रहे हैं लोगों का, ये लोगों का कोई भी, लोगों की 17,000 में भी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को 70,000 में भी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को 1,00,000 रुपए की भी प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 की प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको प्रेजेंटेशन करना है, जब प्रेजेंटेशन करोगे अगर 1,00,000 मांग रहे हो तो 2,00,000 वाला प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, लेकिन आप प्रेजेंटेशन करते हो उसका वैल्यू 10,000 भी नहीं आता है।
तो एक लाख कैसे देगा? यस और नो? यस। डिपेंड करता हाउ यू प्रेजेंट। आप जब बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाओगे तब आपको पता चलेगा, वो भी फोर व्हीलर है, उसका फोर व्हीलर का स्टार्टिंग प्राइस भी होता है 30 लाख 35 लाख की, 40 लाख से स्टार्टिंग होता है। शोरूम में जाओगे, जब जाओगे वहां पे शोरूम में जाने के बाद सर क्या लेंगे आप? चाय कॉफी सर नाश्ता लेंगे, क्या लोगे? आपको सब कुछ भरपेट खिला जाएगा। एक फाइव स्टार के जैसा एक सिचुएशन, पूरे माहौल ही ऐसा बन चुका है। लेकिन आप जब किसी मारुति के शोरूम में जाएगा सबसे पहले आपको देखेगा ऊपर से नीचे देगा, ये नहीं खरीदेगा, लेकर यहाँ पे घूमने के लिए आया। पहले सेल्समैन लोग इस एटीट्यूड से देखता है, या तो सेल्समैन बैठा है टाई ठीक तरह से बैठा है, टाई ठीक तरह से नहीं है, या तो जूता उसका पॉलिश नहीं है। हमें पर चेयर खराब है, टेबल जिस पेन से लिख रहा है वो पेन में खराबी है। तो एक मारुति के शोरूम में जाओगे, एक टाटा के शोरूम में जाओगे आपको पता चला ये टाटा वाला शोरूम, और जब एक बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाओगे आपको पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ये बीएमडब्ल्यू शोरूम है। इसीलिए यहाँ पे लोग 5 लाख वाले जाते हैं, यहाँ पे 50 लाख वाले जाते हैं। सो डिपेंड करता है आप क्या माहौल बना रखे, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, सेल होगा ही, बट आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया फीडबैक, घर में जाते थे लोग दरवाजा बंद करते थे, सीखा कैसे लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। लोग जब सवाल करते थे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते थे कि ये सारे सवाल किस तरीके से आंसर देना चाहिए, हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, सीखा कि हर क्वेश्चन के बदले में कैसे क्वेश्चन। जैसे लोग पहले बोलता था ये ना मान वैल्यू नहीं होगा, मेरे मान वैल्यू का प्लान मैं पहले भी देख चुका। लोग पहले जब सवाल करते थे जब नॉलेज भी होता था चुपचाप आ जाते थे डर के बारे, सीनियर को बोलते थे सबको स्मार्ट वर्ड बताया कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। लेकिन मैंने किया था सिर्फ 2 इंसान को इन्वाइट, और 2 इंसान को इन्वाइट करके मुझे लगा 130 करोड़ लोग बना कर दे। अरे किया था सिर्फ दो लोगों को इन्वाइट करके क्या नतीजे में मैं पहुंच सकता हूं? मुझे बताइए। इस घर में आप लोगों की पार्ट्स मैंने चेक किया, क्या चेक किया? पार्ट्स। और पार्ट्स में जिसकी पार्ट्स में ज्यादा पैसा है मैंने उसको अनाउंस कर दिया ये सबसे अमीर इंसान है, क्या सही है ये? अरे पार्ट्स के पैसे से ये कैलकुलेट नहीं होता है कौन कितना फिर है। हो सकता है आपके पार्ट्स में जेब में पैसा कम है लेकिन आपका जमीन जायदाद बहुत है, ये सर नो। आपके घर में सोने के गहने बहुत है, गहना बहुत है, पार्ट्स में कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी नहीं। उसी तरह वो एक सैंपल है, 2 आदमी को मैंने इन्वाइट किया उसे सैंपल। सो 2 आदमी को इन्वाइट करके आपका 200 के लिस्ट में आप नतीजे में मत आओ, आपको 400 का लिस्ट का नतीजे में मत आओ। 4 या 5 लोग तो मना करेगा ही, और वो मना इसलिए नहीं कर रहा है कि स्मार्ट वर्ड बेकार है, इसलिए कर रहा है आपका प्रेजेंटेशन उसको अच्छा कर। तो लोग पहले बोलता था स्मार्ट वर्ड, मैं तो सुन चुका हूं। आज जब कोई पूछता है मैं पूछता हूं क्या सुना है भाई तेरा बता दो क्या क्या है स्मार्ट वर्ड में? नहीं वही तो 2 आदमी को पकड़ना पड़ता है, और क्या क्या करना पड़ता है थोड़ा बता। नहीं वही तो जोड़ना पड़ता है, तो वो तो पड़ता है और क्या पता? और तो कुछ पता नहीं। यानी स्मार्ट वैल्यू तेरे लिए क्या है? 2 आदमी को जोड़ना। अभी मैं बताता हूं स्मार्ट वैल्यू क्या है। पहले क्या होता था? घबरा जाता था, लोगों का आंसर देने का। सीनियर बोलते थे पुटे क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर करते। कोई सवाल करता है तो सवाल के बदले में सवाल करो, कोई बोलता मुझे तो स्मार्ट वैल्यू पता है उसको सवाल करो क्या है थोड़ा बता, तो बता नहीं पाएगा। उसने स्मार्ट वैल्यू क्या है? 2 आदमी को जोड़ना है। फिर उनको बताया व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, उसको बताया तुझे भी बता रहा हूं व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू। सुन ये इंडस्ट्री ऑलरेडी, ये इंडस्ट्री पिछले 12 सालों में कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ बन चुका है, तुझे पता है स्मार्ट वैल्यू? नहीं तो नहीं पता था। 1500 का सेंटर बन चुका है, 1500 प्लस सेंटर, एक सेंटर में अगर 2-2 फैकल्टी है तो 3000 प्लस फैकल्टी। आज के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सबसे ज्यादा टीचर लेके लोगों को आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे वो है इंपीरियल। तुझे ये पता था? ये भी नहीं पता। तुझे 2 पता था, मैं 3000 फैकल्टी की बात बता रहा हूं। तुझे पता है आज के डेट में स्मार्ट वैल्यू का एम्प्लॉई स्ट्रेंथ कम से कम 400 से 500 एम्प्लॉई स्ट्रेंथ है? स्मार्ट वैल्यू ने कम से कम 1500 करोड़ का मार्केट में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के पास, पता था? नहीं पता। इस साल इस कंपनी में 50 लाख से अबव कार खरीदने वाले लोगों की संख्या कम से कम 10 बन चुका, तुझे पता है? नहीं पता। स्मार्ट वैल्यू ने इस साल कम से कम 1000 लोगों को वारंटी लेके गए, चाहे वो 18 साल के हो या 80 साल के हो, सब लोगों को लेके गए, ऐसे 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को, तुझे पता था? नहीं पता। इंफॉर्मेशन हर साल इस प्लेटफॉर्म में 2 नहीं लाखों लोग जुड़ते हैं,
एवरी ईयर लाखों लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तेरे पास इंफॉर्मेशन था? नहीं। इस साल नया मिलियनियर बनाया कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों, तुझे इंफॉर्मेशन पता था? नहीं पता। हम लोगों ने कुछ दिन पहले हेलमेट बनाकर, ह्यूमन मेड हेलमेट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तुझे इंफॉर्मेशन था? ठीक है, तेरे पास एक गलत इंफॉर्मेशन था, वो था क्या? दो आदमी को जोड़ना, और मैं तुझे स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में और भी सिर्फ 10% भी नहीं पता है, 90% बाकी है। तू गलत थे भी बेचिएगा या इस प्लान को, इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके सुन के अपने करियर को चेंज करेगा, दिखने लगती है क्या करेगा तुम्हें? तुझे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, चॉइस इज योर्स, बट गलत फैमिली में मत जा। ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इतना हजार लोगों को करियर बना चुका है, मैं भी इस करियर के विषय में मैं भी शामिल, मेरा भी लाइफ बदलने जा रहा है। बाद में ऐसा ना हो एक गलत फैमिली के कारण तू एक बहुत बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे, ऐसा ना हो जाए। क्या करना चाहते हैं? अगले बृहस्पति गुरुवार को शाम को 5 बजे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, तो 6 बजे के बाद आके फिर तेरे साथ में बैठ कर डिस्कशन करना। कौन कौन सी डेट आना चाहता है? गुरुवार को आएगा या फ्राइडे को आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिकॉज यू हैव, मतलब आपके पास वो कार्य जा चुका है, फेस एवरी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति को संभालने के लिए आपके पास वो ताकत आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है? पहले आपको कंपनी के बारे में एक लाइन बोल नहीं पाते थे, आज आप कंपनी के बारे में 10 लाइन बोल सकते हैं, आपके पास नॉलेज आ चुका है। पहले प्रेजेंटेशन करने के टाइम आप घबराते थे, हाथ पर कांपता था, आज प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके हाथ पर नहीं पाते, आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाते। यू हैव टू हैव नॉलेज स्किल। एक इंसान पूछ रहा है कि भाई इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये तो मेरे को अभी करना नहीं है, सवाल कर रहा है हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। पहले कोई भी आंसर दे, हम तो जब फीडबैक में जाते हैं इसको लेकर मैं आप लोगों को जरूर एक सेशन दूंगा अगर वक्त मिले तो, फीडबैक, क्वेश्चन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक चैप्टर है अलग से, आज ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको इंक्लूड हम कर नहीं पाते, एक अलग चैप्टर है, इसके लिए आपके साथ अलग से मुझे बैठना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे प्रेजेंटेशन सिखाना पड़ता है, एक स्किल है। एक इंसान, एक डॉक्टर बैठा है, एक डॉक्टर को कैसे सेल करो, सेल करो, एक इंजीनियर को कैसे कन्वर्ट करो, एक लॉयर को कैसे इन्वाइट करो। मैं अपने लाइफ में बता रहा हूं, एक जमाना ऐसा था जहां पे 70 लोग ही मुझे बना दिया, शुरुआत का 70 लोग मेरे को नो बोला था, 70 लोग नो बोला, और एक जो मैंने अपने को चेंज किया था आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, मैंने अपने आप को चेंज किया 2 साल के अंदर, मेरे पर्सनल ज्वाइनिंग 170 बन चुका था विद इन 2 ईयर्स इन माई बिजनेस, 2 साल में 170 लोगों का पार्सल देने में नहीं आता। मुझे पता है इस घर में कई सारे लोग हैं जो 4-5 लोगों को इन्वाइट करने के बाद अभी उस 4-5 लोगों के ऊपर ही बिजनेस के डिपेंडेंट हो चुके, 4-5 लोग बिजनेस करेगा और वो चुपचाप दे गया, ये एटीट्यूड से बड़ा बिजनेसमैन बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यह तो मैक्सिमम 15 से 20 लोगों का पार्सल ज्वाइन हुआ होगा, उससे बिजनेस बहुत बड़ा बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो एक समय था जहां 70 लोग मना कर